आज मैं आपको बताऊंगा एकदम आसानी से इकाई का अंक निकालना, नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। तो आइए आज हम सिखाते हैं। देखिए 22 के पावर कितना दिया है 23, इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए क्या दिया है 22 के पावर 23, इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हमको देखिए। इसका इकाई, इसमें इकाई अंक हमको देखना है, इकाई अंक इसमें का क्या होता है 2 है, इसमें का इकाई अंक क्या है 2 है। जब 2 इसमें का इकाई है अंक है तो हम इसको 2 को उतार लेंगे। और देखिए पावर में जब 23 दिया है तो कभी भी दहाई में यदि दिया हो, दहाई में देखिए इकाई दहाई, दहाई में दिया है तो हम इसको क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। किससे 4 से भाग दे देंगे, कोई भी दहाई का अंक हो, यदि 24, 25, 26, 39, 40 यदि कुछ भी हो तो आप क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। जब हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए देखिए 4 बच्चे कितना आ जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा ये 3। ठीक, हम क्या करेंगे देखिए देखिए क्या करेंगे, 2 की पावर क्या लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4। ये आपको मैं बता रहा हूँ समझने के लिए, क्या समझने के लिए। देखिए 2 की पावर जब 4 लिखेंगे तो 2 की पावर मान लीजिए क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 को हम 4 में लिखेंगे, इसको इंटू करेंगे कितना आएगा 16। जब 16 आएगा तो इसमें का इकाई अंक कौन है, इसमें का इकाई अंक कौन है ये है। तो जब इसमें का इकाई अंक जब 6 है तो लिखेंगे सिंपल इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक क्या है 6 है, क्या लिखेंगे इसका इकाई अंक 6 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब 2 की पावर 4 का इकाई अंक 6 है तो लिखेंगे 2 की पावर 4, मान लीजिए ये हो गया 2 की पावर 4। उसके बाद 2 की पावर 4 और उसके बाद जो इसका आंसर आया है इसके पावर में चला जाएगा 5, तो इसका इकाई अंक भी कितना होगा, इसका इकाई अंक भी कितना होगा 6 होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा होगा। तब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे देखिए, लिखेंगे 2 की पावर 4 की पावर 5 इंटू भी क्या करेंगे देखिए, लिख देंगे ये 2 है ना, फिर 2 उतारेंगे। अब देखिए इसका जो शेषफल बचा है इस शेषफल को हम 2 के पावर में कर देंगे, 2 के पावर में कर देंगे और लिखेंगे देखिए जब इस पूरे का मान कितना इकाई अंक आया, इस पूरे का इकाई अंक कितना आया 6, तो लिखेंगे 6। देखिए 2 के पावर 3 का यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इज इक्वल टू इसका क्या हो जाता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा 8। तो देखिए हम लिख देंगे 6 गुणे 8, तो 8 6 के कितना होता है 48। तो देखिए 48 में 48 दिया है तो ये दहाई है, इकाई अंक इसमें क्या है 8 है, तो देखिए क्या हो जाएगा 22 के पावर 23 इज इक्वल टू देखिए इस पूरे का इकाई अंक कितना होगा 8 होगा, तो ये आपका आंसर है। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद मैं और आपको इससे अच्छा अच्छा लेकर आऊंगा इकाई अंक निकालने का तरीका। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद मैं लेकर आऊंगा आपको इकाई अंक, इससे शानदार ट्रिक, इससे शानदार तरीके से समझाऊंगा। और आप ये इससे शानदार कोई ट्रिक ही नहीं होगा इस दुनिया में, इससे शानदार कोई ट्रिक नहीं होगा इकाई निकालने का। तो देखिए इकाई निकालने का एकदम आसान तरीका, सबसे पहले ये भाग दे दीजिए, पावर जो होता है उस क्या कहिए 4 से भाग दीजिए, उसके बाद ये इकाई अंक लीजिए, उसके बाद देखिए इसके पावर में क्या कर लीजिए 4 कर लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए इसका इकाई अंक मान लीजिए, इसका इकाई अंक आप निकाल लीजिए, उसके बाद 2 के पावर 4 के पावर मान लीजिए 5 कर दीजिए, उसके बाद देखिए क्या कीजिए इस मान लीजिए इसका जो इकाई अंक आया रहता है इसका भी वही इकाई अंक आएगा, उसमें कोई सोचने उचने की बात नहीं है, जब इसका जो इकाई अंक आ जाए इसका भी वही इकाई अंक आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए इस पूरे का मान यहाँ मान लीजिए यहाँ रखेंगे, इंटू में जो शेषफल बचा रहता है इस इकाई अंक को रखेंगे और शेषफल जो बचा रहता है उसको पावर में कर देंगे। उसके बाद देखिए इस पूरे का मान जो आया रहता है हम उसको क्या करते हैं उसको यहाँ लिख देते हैं, इसका इकाई अंक इस पूरे का इकाई अंक 6 आया था हमने 6 लिख दिया। उसके बाद देखिए 2 के पावर 3 तो इसका देखिए जब
ये हम इसको इंटू किए यानी इसको क्यों किए इसका तो कितना आया, आठ आया। तो हमने छः गुड़े आठ लिख दिया, अच्छा क्या 48, 48 में इकाई अंक क्या है, आठ है। तो आठ को आठ आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों आपको इकाई का अंक निकालिए एकदम आसानी से। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलेगा।